दोस्तों, श्री राम राघवन उन निर्देशकों में से हैं जिनकी फिल्में आकर्षित करती हैं। भले ही बड़ी सफलता उनको नहीं मिली हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि वे प्रतिभाशाली हैं। आइए बात करते हैं उनकी हालिया रिलीज फिल्म बदलापुर के बारे में। बदलापुर एक रिवेंज ड्रामा है। बॉलीवुड में बदले पर आधारित हजारों फिल्में बनी हैं, लेकिन यह फिल्म इस विषय को नए अंदाज में पेश करती है। उम्दा प्रस्तुतिकरण की वजह से यह डार्क मूवी दर्शकों को बांध कर रखती है। बदलापुर एक रिवेंज ड्रामा है। बॉलीवुड में बदले पर आधारित हजारों फिल्में बनी हैं, लेकिन यह फिल्म इस विषय को नए अंदाज में पेश करती है। उम्दा प्रस्तुतिकरण की वजह से यह डार्क मूवी दर्शकों को बांध कर रखती है। रघु की पत्नी और बेटा एक बैंक डकैती के दौरान मारे जाते हैं। इस डकैती में पुलिस लायक को पकड़ लेती है और वह इस अपराध में अपने पार्टनर का नाम पुलिस को नहीं बताता। लायक 15 वर्ष बाद जेल से बाहर आता है और रघु को बदला लेने का मौका मिलता है। श्रीराम राघवन ने साधारण कहानी को अपने निर्देशकीय कौशल से देखने लायक बनाया है। बदलापुर के किरदारों की यह खूबी है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे पढ़ना आसान नहीं है। राघवन ने दर्शकों के सामने सारे कार्ड्स खोल दिए और इन कार्ड्स को किरदार कैसे खेलते हैं इसके जरिए रोमांच पैदा किया है। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, खासतौर पर सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी बिखरती है और क्लाइमैक्स में फिल्म के विलेन के रुख में आया परिवर्तन हैरान करता है। दिव्या दत्ता का किरदार भी फिल्म में मिसफिट लगता है, लेकिन ये कमियां फिल्म देखने में बाधक नहीं बनती है। बदलापुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इतना उम्दा अभिनय किया है कि वे फिल्म को नुकसान पहुंचा गए हैं। हीरो, स्क्रिप्ट, निर्देशक पर तो वे भारी पड़े ही हैं, साथ ही खलनायक होने के बावजूद वे दर्शकों की सहानुभूति हीरो के साथ नहीं होने देते। वरुण धवन ने लवर बॉय का चोला उतार फेंकने का साहस दिखाया है। एक बच्चे के पिता और 40 प्लस का किरदार निभाने में उन्होंने हिचक नहीं दिखाई है। कुछ दृश्यों में उनका अभिनय कमजोर भी रहा है, लेकिन उनके प्रयास में गंभीरता नजर आती है। सचिन जिगर का संगीत बेहतरीन है। निर्देशक की तारीफ करना होगी कि उन्होंने गानों को फिल्म में बाधा नहीं बनने दिया। बदलापुर की कहानी साधारण जरूर है, लेकिन बेहतरीन अभिनय और उम्दा निर्देशन फिल्म को देखने लायक बनाता है। फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।